Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is New Syllabus Oxford Primary Mathematics Book 6A. हमारे पास चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस है और इसमें वर्कशीट नंबर 3 डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन आज हम सीखेंगे. तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें. यहाँ पर हमसे सिंपली कहा जा रहा है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ यू डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ पर डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से, लेकिन उससे पहले आपसे कहा गया है कि आपने एक डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखानी है. तो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इन्होंने कहा 2/3 है हमारे पास, एक जो है वो चॉकलेट है और उसके अंदर हमारे पास 2/3 मौजूद है. ठीक है, तो हमने 2/3 को शेड कर दिया. अब इसको आपने डिवाइड करना है 1/3 के अंदर. तो बच्चों यहाँ पर 1/3 में हमें इस तरह से डिवाइड करना है इसको कि ये जो टोटल 3 है ना, इसके अंदर कितने 1/3 बनेंगे. ठीक है, इस 2/3 के अंदर कितने 1/3 आएंगे. तो अगर आप गौर से देखो तो ये एक 1/3 है हमारे पास. ठीक है, और ये एक 1/3 है. ठीक है, ये भी एक 1/3 है और ये भी एक 1/3 है. इसका मतलब है 2/3 के अंदर हमारे पास कितने 1/3 आ रहे हैं, 2 1/3 आ रहे हैं. तो 2/3 को जब आप डिवाइड करें 1/3 से तो आपके पास आंसर आना चाहिए 2 pieces. तो हम यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1. 3 3 से कट हो गया, क्या बच गया, सिंपली 2 बच गया, जो कि हमारे पास पहले ही से आंसर आ गया था. अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है एक अदद चॉकलेट है. ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास 3 pieces हैं, तो 1/3 हमारे पास शेडेड है. अब इस 1/3 के अंदर हमारे पास 1/9 कितने आएंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट को 9 pieces के अंदर क्या डिवाइड कर देंगे. ठीक है, हर एक में आप 3 3 pieces कर दीजिए, आपके पास सिंपली ये 1/9 बच जाएगा. ठीक है, 9 pieces टोटल चाहिए ना. अब सिर्फ इस 1/3 के अंदर कितने 1/9 है, 1 2 3, 3 हमारे पास इसके अंदर 1/9 है. तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. इसको हम यहाँ पर करके भी देख लेते हैं. तो अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 3 1 3 3 3 3 9, क्या बचा, सिंपल 3. इसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास. अब की दफा चॉकलेट के अंदर इन्होंने कहा है 4 pieces करो, और 4 pieces करने के बाद इसके अंदर आप जो है वो आपके पास जो चॉकलेट आएगी वो 3 pieces आ जाएंगे. ठीक है, अब ये 3/4 जो है इसको आपने 3/8 में डिवाइड करना है. तो 3/8 का मतलब क्या है कि अब टोटल के अंदर हमें 8 pieces चाहिए. तो इस 4 को हम 8 कैसे बना सकते हैं, सबको हाफ में डिवाइड कर दो. ठीक है, तो अब ये हमारे पास टोटल 8 pieces बन गए. अब ये जो हमारे पास 3 pieces 6 में डिवाइड हो गए हैं, इसको हमें देने हैं 3 pieces. इसके अंदर हमारे पास कितने 3/8 आएंगे. तो बच्चों आप देख सकते हो 1 2 3, ये 3/8 बनेगा ना, 1 2 3, ये 3/8 है हमारे पास. तो ये एक आया. ठीक है, उसके बाद दूसरा 3/8, 1 2 3, ये हमारे पास एक दूसरा आ गया. तो इस तरह से करके हमारे पास कितने 3/8 आ रहे हैं, इसके अंदर 2 3/8 आ रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर करके भी देख लेते हैं. 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3. 3 तो 3 से कट हो गया, 4 बचा, 4 1 4 4 2 8, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर 2 आ गया. ठीक है, देखा आपने कितना सिंपल है. इसी तरह कुछ क्वेश्चंस पेज नंबर 49 पर हैं. अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 7/8 को डिवाइड करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले टोटल 8 pieces हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए. ठीक है, ये हमारे पास टोटल बन गए 8 pieces. अब इसके अंदर इन्होंने हमसे कहा, अच्छा पहले हम इसको 7/8 बना दें. तो 7 pieces को हमने शेड कर दिया और इस 7 को हमें डिवाइड करना है किसमें, 3/8 में. तो टोटल ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 8 pieces हैं. अब हम इसको देखना है कि हमारे पास इसके अंदर कितने 3/8 बनते हैं. तो यहाँ पर बच्चों गौर से देखो, एक बन रहा है हमारे पास 3/8 का 1 unit. ठीक है, उसके बाद फिर हमने उठाया, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 का दूसरा यूनिट बना. लेकिन जब हमने तीसरा उठाना चाहा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1/3 1/8 बन रहा है, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं हो रहा. तो अब जरा हम इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये हमारे पास फिगर में किस तरह से बना. 7/8 था, मल्टीप्लाई किया, 8/3 हो गया. ठीक है, 8 8 से कट हो गया और नीचे हमारे पास क्या बचा, 7 whole upon 3. इसको हम कर लेते हैं जरा कन्वर्ट, डिवाइड करके देखो, यहाँ पर आपके पास आएगा 3 2s are 6 और 1 remainder. तो ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 whole 1/3. ठीक है, और यही हमारे पास यहाँ पर था, देखो
वन होल टू होल, दो तो पूरे पूरे होल आ गए हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास सिर्फ एक पीस बच रहा है, ये कितने कम है इसके अंदर, वन टू थ्री में से सिर्फ वन पीस है, जिसको हम क्या कहेंगे, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन एट नहीं कहेंगे इसको, हम इसी के हिसाब से कहेंगे अपने होल्स में हमारे पास जितने पीसेस हैं कि ये हमारे पास वन थर्ड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको फिगर से भी देख लिया और इसको सॉल्व करके भी देख लिया। इसी तरह से पार्ट ई है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या है बच्चों, फाइव अपॉन सिक्स, हमने इसको अब जो है वो तीन तीन और तीन यानी छः पार्ट्स में डिवाइड किया और कितने पार्ट शेड कर दिए, फाइव पार्ट्स हमने यहाँ पर इसके शेड कर दिए। इसके अंदर हमें चाहिए टू थर्ड्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितने टू थर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन पार्ट्स में से हमने ये टू थर्ड उठाया, वन हो गया। ठीक है, फिर एक टू थर्ड उठाया, ये हमारे पास दूसरा हो गया। उसके बाद टू थर्ड उठाया तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली कितना आ रहा है बच्चों, हाफ आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, फाइव अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन टू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री वन आर थ्री, थ्री टू आर सिक्स, अब ये हमारे पास आ रहा है फाइव अपॉन फोर। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर वन आर फोर और रिमाइंडर भी वन बचेगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा, वन होल वन अपॉन फोर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इस यहाँ पर तो हमारे पास टू होल्स और एक हाफ आ रहा था, तो ये बच्चों टू होल्स और हाफ नहीं आ रहा, जब हमने ये फाइव अपॉन सिक्स किया तो हमें इसको डिवाइड करना है टू थर्ड्स के अंदर। ठीक है, टू थर्ड के लिए हमें टोटल थ्री यूनिट्स चाहिए, तो हम ये जो सिक्स यूनिट्स हैं पहले इसको थ्री यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये थ्री यूनिट्स आप देख सकते हैं हमारे पास दो दो यूनिट्स मिलाकर एक यूनिट बनेगा, तो थ्री यूनिट्स बनेंगे। अब इस थ्री यूनिट्स के अंदर से हमें दो होल यूनिट्स चाहिए, वन और टू, तो ये हमारे पास एक होल जो बन रहा है वो कितने यूनिट्स का बन रहा है, सिक्स में से फोर यूनिट्स का बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पूरा यूनिट आया और एक हमारे पास सिर्फ एक यूनिट आया आउट ऑफ फोर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये खाली है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो ये कितना है बच्चों हमारे पास, ये वन अपॉन फोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो ये टू थर्ड है और टू थर्ड के अंदर से अगर सिर्फ एक डब्बा उठाओ तो ये कितने, वन टू थ्री फोर में से सिर्फ एक डब्बा, तो ये इस तरह से हमारे पास वन होल वन अपॉन फोर आया है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास वन अपॉन सिक्स डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, सिक्स पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर से सिर्फ वन पार्ट को शेड कर देंगे। ठीक है, इस वन पार्ट को हमें डिवाइड करना है वन अपॉन टू में, तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास सिक्स पार्ट्स हैं इसको हम हाफ कर लें, तो तीन पार्ट्स का एक और तीन पार्ट्स का एक बन रहा है। अब जब इसके अंदर हमने हाफ की बात की तो हमारे पास इस हाफ में से स्टूडेंट्स कितना आ रहा है बच्चों, सिर्फ वन अपॉन थ्री आ रहा है। ठीक है, तो हम जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं ये हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पर हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये बन रहा हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, टू वन जार टू, टू थ्री जार सिक्स, तो ये बन जाएगा वन अपॉन थ्री, यानी कि जो हमने कहा था वही बन रहा है, ये थ्री में से सिर्फ वन पार्ट यानी वन थर्ड। तो ज़्यादा बेहतर है आपको इस तरह के जब सवाल सॉल्व करने तो आप एक मॉडल बनाएं, मॉडल बनाने के बाद इसको आप वर्बली सॉल्व करें यहाँ पर और जो आपका आंसर आ रहा है उससे इसको रिलेट कर लें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ तक हमारे वर्कशीट नंबर वन का क्वेश्चन नंबर वन कम्प्लीट होता है पेज नंबर 49 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।